हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल मुझे सुनिता मैं स्वागत जनाऊँ सुंदर जो ब्लॉगर तो आज आप नुआ बढ़िया सुंदर टिप्स वीडियो नहीं आसी आसतु देखा कमी लगेगा निहाती कमेंट कर जनवे वीडियो जमा भी स्किप करूँ कहीं स्किप कले आप जापरि तो प्रथम है जगर जगर में कौन सब आसतु देखा शिवरात्रि तो आपुए तो शिवरात्रि से दिन कौन करिए ना खाई दिंतु शिवलिंग में चढ़ाई बेलपत्र आभली फायदा मिलता है तो किपरी फायदा मिले आसतु जाणी देखा तो आरंभ करवा चलतु आजिकार लेखार आम बेलपत्र विषय में अनेक महत्वपूर्ण कथा कहूँ यह व्यतीत शिवलिंग जो बेलपत्र चढ़ाई था ताकि खाइले क्यों फायदा होता है शास्त्र कह बेलपत्र छ मास पर्यंत बासी होइ नथाए महादेव को बेलपत्र चढ़ावा पछरे एक कथा रही समुद्र मंथन समय बाहरी विष को भगवान शिव पान करते जो कारण शरीर में उत्ताप बढ़ाक लगी तेणु जो वैद्य बेलपत्र खावा को महादेव शरीर शीतल होता से महादेव को अर्थात शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाई जल अर्पण कराए यह व्यतीत खंडित बेलपत्र अर्पण करा उचित ता पछरे एक कथा रही जिते बड़े महादेव श्री गणेशों शिरच्छेद करते से खंडित जिनस अर्पण करने को बारण होता जो व्यक्ति महादेव को बेलपत्र अर्पण करें ता जीवन केवी धनर अभाव हो नौसी समस्या हो न था बेलपत्र को केवे भी अमावास्या पूर्णमी चतुर्थी अष्टमी एकादशी आदि दिन में सोमवार दिन में छिड़ातु ना कारण यही दिन बेलगछर महादेव बास होता है आप चाहिए यह सब दिन पूर्व दिन में ही बेलपत्र तुम रखिपर कारण तासी हो न था स्कंदपुराण अनुजाई मद्रांचल पर्वत थरे माता पार्वती झाड़ पड़ा कारण सेठे बेलगछर उत्पत्ति होता जितेबले आप बेलगछ को शिवलिंग अर्पण करते साधारण बेलपत्र न था बर महादेव प्रसाद हो जाए जीवन नाना प्रकार समस्या जंत्रणा रोग और व्याधि को दूर करें शिवलिंग में चढ़ा जाता बेलपत्र खाइले पात पित्त कफ दोष दूर होता है जहाद्वारा शरीर पाप क्षय होता है गो हत्या भाई पापर लगी था दुई मस पर्यंत बेल खाइले से ही दोष दूर होता है पांच प्रत्येक दिन पांचटी बेलपत्र खाइले शरीर तामसिक गुण को नष्ट यहाँ शरीर शुद्ध हो जाए बेलपत्र खाइबा द्वारा भाग्य शक्तिशाली होता है आयुर्वेद अनुजाई बेलपत्र खाइबा द्वारा रक्त शुद्ध स्नान होता है रक्त संबंधी कौन सी रोग थे प्रत्येक दिन पांचटी बेलपत्र खातु से बेलपत्र को एक मास खाइबा द्वारा मनस्कामना पूर्ण होगा सहित इच्छा मृत्यु प्राप्त होता है मन में शांति आसवा सहित मन भक्ति आड़क अग्रसर होता है यह सेवन करने द्वारा कौन सी प्रकार शारीरिक भोग नष्ट हो जाए एवं जीवन में सबुबले खुशी भरी जाए तो भिडियोटी केमती लगला निहाती कमेंट कर जनवे रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा मोर एक आगामी भिडियो सुंदर टिप्स भिड आपण मानी नहीं आसबी जहाँ आपणकर मंगलमय हो।